दर्शकों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम यहाँ मौजूद हैं महाकुंभ सीरियल के मनीष वाधवा जी के साथ। आइए जानते हैं उनसे, इनके किरदार के बारे में। मनीष जी, किस तरह का किरदार आपने निभाया? बहुत एक्साइटेड हूँ इस रोल को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी अच्छे किरदार करता रहा हूँ। मालिक आशीर्वाद है, ये जो करेक्टर है वो शिवानंद जिसका नाम है, जर्नी है इस आदमी की। एक जर्नी एक कलाकार को जीने को मिले, ये इससे बड़ा सौभाग्य का हो सकता है कि आप 2 साल में कहानी खत्म कर लेते हैं। यहाँ 24 साल की जर्नी है कि आप कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, तो उनके गेटअप्स चेंज होते हैं, शारीरिक रूप से चेंजेस आते हैं, बाल चेंज हो जाते हैं। तो मेरे इसमें 5 गेटअप्स जो हैं आपको देखने को, 5 रूप अलग अलग देखने को मिलेंगे, जो एक ही जगह एक ही सीरियल में देखना मतलब मालिक का आशीर्वाद है। इसके लिए अरविंद बब्बल जी ने इस बारे में सोचा मेरे लिए, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एक से एक किरदार निभाए हैं आपसे पहले भी, लेकिन उनमें सबसे जो है आपके दिल के करीब से किरदार कौन सा रहा है? बहुत सारे। मैं सच बताऊँ, मैं ऐसा सोच कर, मैं जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ड्रीम रोल क्या है, जैसे अभी आपने पूछा कि आपका एकदम ड्रीम रोल, मैं सच बताऊँ करने से पहले मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा ड्रीम रोल है। किसी किरदार किसी एक्टर को समझ में नहीं आता, वो सुनने के बाद लगता है, लेकिन जब करने के बाद लगता है कि वो ड्रीम रोल उन लोगों के लिए बन जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो ड्रीम रोल लोगों के लिए बन जाए, कि लोग बोले यार मैं वो रोल करना चाहता हूँ। फिर मैंने जैसे चाणक्य किया, तो मैं सच में बहुत उसके लिए बहुत खुद ही बहुत वो था, एक्साइटेड था, और सुनने के जिस तरह लोगों ने उसको सराहा, मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। और सच में मुझे लगता है कि वो एक लोगों के लिए ड्रीम रोल बन गया। फिर अभी मैं इस प्यार को कर रहा हूँ, इस प्यार को क्या नाम था उसमें, निरंजन अग्निहोत्री, वो नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन लोग जिस तरह से उसको सराहते हैं या पसंद करते हैं, मतलब मैं उसके लिए भी बहुत थैंक्स करता हूँ और बहुत खुश रहता हूँ उसके लिए। फिर रावण आपने बीच में देखा, रावण मैं पूरा कर नहीं पाया महादेव में, लेकिन उसे भी लोगों ने पसंद किया। तो अब मैं शिवानंद जी के साथ जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को जोड़ता हूँ कि सारी चीज़ें जिस तरह से, जैसे मैं बाहर गया इसके लिए, पोलैंड गया, या आपने सीन भी देखा, आपने उसमें देखा दाढ़ी मूंछ किस तरह से बड़ी है, उसके बाद बाल छोटे भी, हाँ जी, तो एक अलग चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी जो मुझे करने को मिल रही है। जी, क्योंकि मैं जब करने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ, तो देखने के लिए भी मैं उतना एक्साइटेड हूँ कि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या, मैंने किस तरह से उसको, तो मैं लोगों से भी चाहता कि वो भी मेरे साथ बैठे, मतलब मेरे साथ ही बैठे। डेफिनेटली TV पे 8 बजे शुरू होगा, मैं भी बैठूंगा देखने के लिए, आप भी बैठे, और जिस तरह से रिजल्ट निकलेगा वो सामने ही होगा। जैसे हमने देखा प्रोमो में, आपने जो है इसमें बिल्कुल एक अलग वो था, फिल्म की तरह, मूवी की तरह, बिल्कुल। तो क्या लगता है सीरियल में इस तरीके का कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल कामयाब हो पाएगा। उसका रीज़न ये है कि आप जिस तरह से, क्या होता है कि मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, जैसे मैं अभी दिल्ली आया, दिल्ली तो मैं आता रहता हूँ, मेरा घर भी है यहाँ, और मतलब मैंने एक चीज़ मुझे आपने परोसी और मैंने वो खाई नहीं थी, तो मैं उस चीज़ को लगा कैसे लगेगी यार, मेरा पेट तो इसी चीज़ से, मैं तो वो जो खाता हूँ मेरा तो इससे पेट भर जाता है, लेकिन जैसे मैंने कहा वो यार ये तो मैं अब तक मिस कर रहा था, तो क्यों नहीं, अगर मैंने चीज़ आपने मुझे अच्छे तरीके से परोसी है और अच्छी चीज़ खिलाई है, तो क्यों नहीं करें। तो ये जो कोशिश है इस सीरियल में जो की गई है, वो सच में मतलब अरविंद बब्बल जी ने कमाल ही किया है। वो आप देखिएगा कि वो किस तरह से थॉट्स और किस तरह से अपने विजुअल्स को सामने लेकर आए हैं। मैं खुद उनकी जो सोच है उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि किस तरह से उन्होंने काम किया, उनको देखने को। सच में ये नहीं कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ इसीलिए आपसे मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि आपको देखने को हटके मिलेगा, कि सच में हटके है और सच में आपको देखने को मिलेगा। पायल और गौतम से जो है केमिस्ट्री किस तरीके की? बहुत अच्छी है, सब हम लोग आपस में एकदम टीम बन के काम करते हैं। इसमें बहुत सारे और भी कलाकार हैं, ये तो जहाँ सब लोग आ पाए, सीमा जी हैं, रविंदर जी बैठे हुए हैं, बाकी बजाज साहब हैं, ग्रेप जो बाहर से ग्रेसन जो रोल कर रहे हैं, जैक हैं, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत विनीत जी हैं, नागेश जी हैं, सब लोग बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, क्योंकि सब एक जिस तरह से वो उसमें उन्होंने पिरोया है और इस चीज़ को रखा है, वो काबिल तारीफ। अरविंद बब्बल जी के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके के निर्देशक है, किस तरह से आपका उनका अनुभव रहा है साथ में? मैं आपको वही बता रहा था कि अरविंद जी ने जिस तरह से इस चीज़ को सोचा है कि मैं, और जिस तरह से वो लेकर आ रहे हैं लोगों के सामने, उस आदमी को तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो मेहनत जो आदमी करता है। हम लोग, मैंने आपको बताया जैसे हम लोग शारीरिक रूप से थक चुके होते हैं, दिमागी रूप से थक चुके होते हैं, क्योंकि अरविंद जी हमेशा हम लोगों को एकदम अलर्ट रखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिल से, बहुत ज़्यादा उनका एकदम दिल दिमाग मतलब एकदम लगा हुआ है उसे। अनिरुद्ध पाठक जी ने जिस तरह से उसको लिखा है,
लेकिन जो यहाँ उसके बाद दिल में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सब उस थकावट को भुला देता है, क्योंकि काम अरविंद जी जो कर रहे हैं उसके बाद लगता है कि यस ये काम तो करना रह गया था जो आज आकर करने को मिला है। कुछ सीरियल के अलावा फिल्मों में भी? हाँ बिल्कुल, मैं एक दो फिल्मों की बातें चल रही हैं। फिल्में तो मेरी आई भी हैं दो, शबरी आई थी रामगोपाल वर्मा की और राहुल आई थी मुक्ताज की। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या होता है, हम बॉम्बे में रहते हैं तो वहाँ हर चीज़ सोचनी पड़ती है कि अपना परिवार भी होता है। हम सिर्फ फिल्मों के लिए अगर चक्कर लगाते रहें, क्योंकि फिल्में अगर आपकी चल जाती है, फिल्म में आपने उसमें चपरासी का भी रोल किया हो तो आप हिट हैं, और अगर आपने मेन रोल भी किया हो, चाहे वो जैसे शबरी में भी किया, राहुल में भी किया, लेकिन अगर आपकी फिल्म नहीं चलती है दुर्भाग्यपूर्ण, चाहे फिल्म अच्छी बनी हो, अगर नहीं चलती तो आपके वो कलाकार उस तरह से जाने नहीं जाते हैं लोग, मतलब वो सोचते हैं कि नहीं यार तो फिल्म चली नहीं है। तो कोशिश है, अब दो फिल्में, दो तीन फिल्मों की और बातें चल रही हैं, आगे मालिक मेरे साथ। फिल्म और सीरियल में आप किसको ज़्यादा वो? मैं किसी चीज़ को ऐसा वो नहीं है आज की डेट में। आप अच्छा, मैं आज की डेट क्या, आप कभी भी चाहे वो नाटक करें, मैं नाटकों से रहा हूँ, जय बच्चन जी के साथ जो मैं नाटक करता था वहाँ मैंने एक बात सीखी थी। लेकिन थिएटर में आपको ज़्यादा आनंद आया या इसमें? मैं आपको कहने की बात कर रहा हूँ, अगर आप नाटक करें, आप सीरियल करें, फिल्म करें, आप स्ट्रीट प्ले करें, आप कुछ भी करें, आप दिल से करें, आपको आनंद आएगा। बोलते हैं कि अरे वहाँ ज़्यादा मुश्किल है या यहाँ ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ ज़्यादा करना आपको मज़ा आता है, आपको बिल्कुल मज़ा आना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ उस काम के लिए 100% दे रहे हैं। तो मेरा कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी करूँ उसमें 100% अपना दूँ। धन्यवाद मनीष। दर्शकों, PCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। और 15 तारीख से लाइव होकर शुरू हो रहे महाकुंभ में एक अहम किरदार निभा रहे चौबिन कुमार दास जी, तो आइए जानते हैं उनसे उनके किरदार के बारे में और महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ में किस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं? उसमें एक बाबा है, लेकिन उस तरह से कोई उसका कोई बैकग्राउंड नहीं कि किस किन कारणों से वो अपना घर छोड़कर आ गया, वाइफ को छोड़कर आ गया और यहाँ संन्यास कर लिया। तो बाकी बाई चांस जो है हीरो वहाँ पानी में डूबता जा रहा था, छोटा बच्चा था, तो उसको ये बचाता है, फिर से उसकी संरक्षा कर रहे हैं। तो 14-15 साल तक और अलग अलग घटनाएँ उस दौरान न्यूज वाली बड़े द्रवीभूत घटनाएँ, थोड़ा एक्शन थ्रिलर टाइप की भी, कहीं जासूसी करना, पीछे जाकर देख रहे हैं वो क्या रहा है, तो इस तरह से उसके मन में बहुत सारे शौक था बच्चे का पढ़ा होते होते भी, तो उसको धीरे से रिलैक्स करना और जीवन की तरफ दूर सिखाना ताकि वो आगे चल के अपना जीवन कर सके। बाबा ने पहचान लिया था कि ये एक विशिष्ट बच्चा है, ऐसा नॉर्मल बच्चों में से नहीं है। धीरे धीरे बाकी मिस्ट्री है और जैसे जैसा हम देखेंगे जाने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे सीक्वेंसेस बहुत ही प्यारे इमोशनल और बीच बीच में थ्रिलर और एक्शन और कुछ पुराण के रेफरेंसेस, तो एक तरह से नए समय में, आज के समय में उन पुराण राक्षस दैत्य और दानव और देवता उसी तरह का ही एक डिवीजन आज भी हम अपने लोगों के बीच में देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही एक इसका एक थिएट्रिकल काल्पनिक चित्र है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसके कितने एपिसोड होंगे? इसके कुल मिला के तो 120 एपिसोड होंगे, लेकिन अभी 60 एपिसोड पहले चलेगा। कुछ फिल्मों में भी काम कर रहे हैं? हाँ, एक और फिल्म भी अभी करके आया हूँ जिसका नाम बॉलीवुड डायरी है, तो वो साल भर के बाद शायद रिलीज होगी। एक और भी ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो रिलीज के इंतजार में है, लेकिन वो थोड़ा सा लो बजट फिल्म है, उसका नाम रणवीर द मार्शल है। धन्यवाद जिसे आदर्श को समाप्त करने के लिए।